ऑलराइट सो यू गाइस होप यू आर फाइन विद योर फैमिली इट्स ओवर 97 बैक इट अगेन विद अ न्यू व्लॉग. सो डूड आज का जो व्लॉग है बेसिकली एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में हम लोग चढ़ने वाले हैं. मतलब पहले दानी जैन ने वहाँ पे व्लॉग बना चुके हैं उसी की वजह से हम लोग को मालूम पड़ा वहाँ पे वो अबैंडन्ड बिल्डिंग है एंड क्या है क्या सीन नहीं है. बट फिलहाल वहाँ जाना थोड़ा रिस्क है क्योंकि वहाँ पे लोग जाने देते नहीं देते क्या है क्या नहीं सब तुम लोग व्लॉग में देखो क्या कैसा बनता है. तुम लोग पूरा व्लॉग देखो आज का व्लॉग बहुत मजेदार बना है. सो लेट्स मीट अप ऑन द वे. देख सकते हो हम लोग यहाँ से लोकेशन के सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है. यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे लोकेशन है और अभी से बहुत अजीब लग रहा है ऑकवर्ड लग रहा है कि क्या होने वाला है वहाँ पे ब्लॉग शूट करने मिलेगा नहीं मिलेगा. बट अगर लोग ना भी बोले तो अगर अपन शूट करेंगे क्योंकि वही तो करना है. सो दूर देख तुम लोग पूरा ब्लॉग देखो बहुत क्रेजी होने वाला है. जो भी लेट्स मीट अप ऑन लोकेशन. तो वैसे हम लोग देख सकते हो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए. मतलब दूर यहाँ का ब्लॉग बनाना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है. यहाँ का ब्लॉग बनाना मतलब मेरा ना एक सपना था कि मैं यहाँ पे आके ब्लॉग बनाऊँ और गानी जैन ना मेरा इंस्पिरेशन है और उसने यहाँ पे ब्लॉग बना दिया तो मैं सोचा था यहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा. सो तुम लोग पूरा ब्लॉग देखो कि क्या कैसा बन रहा है. बाकी वहाँ पे सिक्योरिटी वो शायद जाने नहीं देंगे बट जाएंगे. तुम लोग देखो ब्लॉग कैसा बन रहा है. सो वाई लेट्स मीट अप इन द बिल्डिंग. सो दूर तुम लोग देख सकते हो ये बिल्डिंग कितनी मतलब देखो. और ये आज का मेरा टारगेट है मेरा सलमान और अमान का कि हम लोग उसके रूफटॉप पे चढ़ेंगे और वहाँ पे वॉकिंग करेंगे. तो अगर यहाँ पे किसी ने देख लिया ना हम लोग को पक्का डेफिनेटली हम लोग को ऊपर जाने नहीं देगा और जितना भी शूट करता है ना वो डिलीट कर देगा. सो लेट्स मीट ऑन रूफटॉप और देखते चलते टाइम अगर शूट करने का मौका मिला तो चलते. सो वही सामने वॉचमैन लोग का कैबिन है. अगर वो लोग अपने को देख लिए तो पूरा व्लॉग मतलब पूरी मेहनत जो ही बेकार हो जाएगी. पहले ऊपर रूफ टॉप पे चलते
तुम लोग देख सकते हो, मैंने तुम लोग को बोला था मैं इसके रूफ टॉप पर आऊँगा, और मैं इसके रूफ टॉप पर हूँ। मैं तुम लोग को हर एक साइड से व्यू बताऊँगा कि यहाँ का व्यू कैसा है और क्या रोल है क्या नहीं। आ जाओ मेरे, नीचे देख सकते हो। अगर यहाँ से हम लोग में से कोई भी गिरा तो सीधा नीचे। और तुम लोगों को मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग कभी भी ये सब जगह पे मत आओ, क्योंकि मैं मेरी पूरी सेफ्टी के साथ आया हूँ। तुम लोग देखो पूरा यहाँ से दीदापुर दिखता है यार। देखो यहाँ से भी अगर नीचे गए तो ख़त्म सीधा। ये साइड भी आ रहा हूँ, तुम लोग देख सकते हो उधर वो सिक्योरिटीज वाले। यहाँ पे छड़ी के दूर को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। पहली बात तो यहाँ पे दानी सेन ने ब्लॉग बनाया था, इसके लिए मुझे आने का था। और ये अबैंडन्ड मेंशन बहुत रिस्क लेने के बाद ये ब्लॉग कंप्लीट हुआ है। सो गाइस मैं तुम लोगों को बस इतना ही बोलूँगा कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने रिस्क ले रहा हूँ, ये सब जगह पर आ रहा हूँ, तो तुम लोग भी मेरे ब्लॉग को आगे मतलब आगे छोड़ो। तुम लोग उसको शेयर नहीं करते थे, मैंने देखा हो मेरा ब्लॉग ज़्यादातर शेयर नहीं हो रहा एक्सटर्नल पेज पर बताते हैं। तो मैं बस तुम लोग को इतना ही बोलूँगा, आगे के व्यूज़ देखो और मेरे ब्लॉग को पूरा शेयर करो। सो भाई सो दूर फाइनली हम लोग को जैसा जो भी सीन्स वगैरह देखना था कैप्चर करना, हम लोग ने सब कर लिया। अब टाइम है यहाँ से नीचे जाने का। मेरे को ये ब्लॉग अब तक के मेरा सबसे बेस्ट ब्लॉग लगा, क्योंकि जो भी मैंने जितने भी ब्लॉग्स बनाए हो, क्योंकि ये ब्लॉग में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आई है। पहली बात तो ये अबैंडन्ड ब्लॉग है, मतलब रिस्क लेने वाला था, इसके लिए मेरे को मज़ा आई। एंड प्लस यहाँ पे मेरे इंस्पिरेशन ब्लॉग बनाया था दूर, इसके लिए मेरे को और ज़्यादा मज़ा आई। और नेक्स्ट ब्लॉग जो भी है, मतलब जो भी कंटेंट वगैरह, तुम लोग को इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगी कि क्या नेक्स्ट ब्लॉग कैसा आने वाला है, कब आने वाला है। एंड फाइनली मेरे बोर्ड्स पूरे हो गए, तो अब मे भी रेगुलरली ब्लॉग आएगा। जैसा भी रहेगा तुम लोग को इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगी। सो जिन लोग ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो मेरी आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, तो जाओ तुम लोग जाके मुझे फॉलो करो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सेक्सी बेब।